ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 7.4 विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस। हमने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि था हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड में हमने पढ़ा था फैक्टोरियल नोटेशंस, थर्ड एक्सरसाइज में हमने पढ़ी थी उसमें परम्यूटेशंस, एंड दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज विच इज 7.4 बेस्ड ऑन योर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर परम्यूटेशंस में हमने पढ़ा था क्या था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली बेटा आपको ये टर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास 3 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं अगर एक्स वाई जेड, ठीक है, तो मुझे इन दोनों में से, इन तीन में से कोई दो सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं एक्स वाई भी ले सकती हूँ, वाई जेड भी ले सकती हूँ, जेड एक्स भी ले सकती हूँ। तो मेरे पास ये तीन कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें से मेरी मर्जी है कि मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में ज्यादातर आपके पास जो वर्ड्स यूज होंगे वो सिलेक्शन के सिनोनिम्स होंगे, जैसे सिलेक्ट करना है हमने, या चूज करना है, या इलेक्ट करना है, तो इस तरह के वर्ड्स जो होंगे वो हमारे होंगे कॉम्बिनेशंस। तो अब यहाँ पर जैसे अगर हम परम्यूटेशन की बात करें, तो अगर हम थे तीन में से दो लेते थे तो एक्स वाई और वाई एक्स का वहां फर्क पड़ता था, लेकिन यहाँ एक्स वाई और वाई एक्स एक ही चीज है, एक्स वाई प्लेयर हैं, वाई एक्स प्लेयर हैं, तो कॉम्बिनेशन में इनका रिवर्स ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई जेड और जेड एक्स एक ही चीज है, जेड एक्स और एक्स जेड एक ही चीज है, ठीक है। तो इस चीज का जो इफेक्ट हमारा परम्यूटेशन में पड़ता था लेकिन कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जो हमें गिवन चीजें होती हैं उसमें से हमने कुछ सिलेक्ट करना होता है। अगर मैं एक और सिंपल सी इसकी एग्जांपल लूं कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर 7 पॉइंट्स हैं, तो हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, तो मैं कितने कार्ड्स ड्रॉ कर सकती हूँ। देखो मैं ए बी का कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, बी सी का ले सकती हूँ, ए सी का ले सकती हूँ, बी डी का ले सकती हूँ, सी डी का ले सकती हूँ, तो लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन आर देयर। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं लिखूंगी कि ए बी कॉम्बिनेशन है और ए कॉम्बिनेशन बी ए है, वो एक ही चीज है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है बेसिकली हमारा होता है वो कॉम्बिनेशन। जिस तरीके से हमारे पास परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला था, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, वैसे ही हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम का फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं एन सी आर से। जब परम्यूटेशन होगा तो यहाँ पी आ जाता है, जब कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर सी आ जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को छोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारा एन पी आर, ठीक है ना। तो वही लिखा है हमने कि अगर मैं आर फैक्टोरियल को इधर ले जाती हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एनपीआर। तो ये दोनों के बीच में, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में कोरिलेशन है हमारा, ठीक है। और दूसरी चीज यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो देखो अगर मैं आर की जगह पर भी एन होगा, मतलब जितने टोटल अगर इक्वेशन मुझे दिया हुआ है एक वर्ड, तो मुझे उसी का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब उसमें से 3 लेटर वर्ड या 4 लेटर वर्ड नहीं बनाना, जितने लेटर्स का था वो उतने ही लेटर्स का बनाना है, सिर्फ अरेंजमेंट्स चेंज करनी है। तो यहाँ आर की जगह तब क्या आएगा, एन ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर इक्वेशन में क्या डालेंगे, देखो एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, और यहाँ पर भी एन फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1। तो आपको ये याद रखना है कि एन सी एन के केस जब भी आएगा तो आप डायरेक्टली उसको 1 लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आर की जगह पर है 0, मतलब हमने कुछ भी नहीं चूज करना है, तो एन सी 0 उस केस में भी हमारा 1 रहेगा। कैसे, एन फैक्टोरियल है, एन माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो उस केस में भी। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि एन सी एन जो होता है 1 होता है, और एन सी 0 भी होता है जो 1 होता है। यहां से एक और चीज हमारी निकल के आती है, एक और फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में यूज होगा, वो ये है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस 1, मतलब अगर जैसे होगा 5C2 इज इक्वल टू 5C3। और ये कैसे होगा, जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ एन सी एन माइनस आर, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन, ये प्लस का हो जाएगा आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन एन कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट योर एन सी आर। तो ये भी आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, यही है कि अगर एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी होता है तो क्या होता है मेरे पास, आइदर ए इज इक्वल टू बी होता है और ए इज इक्वल टू एन माइनस बी होता है,
ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला हमारा क्वेश्चंस में यूज होगा। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.4 है हमारे पास। इफ एन सी 8 इज इक्वल टू एन सी 2 फाइंड एन सी 2। तो अगर हम देखें तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। देखिए ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हम, ठीक है, यहाँ पर देखें एन सी टू हमने निकालना है, ये होता है एन सी आर। तो इट मीन्स आर हमें गिवन है, आर आ गया मेरा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा एन सी 8 इज इक्वल टू किसके बराबर है इस फॉर्मूले के हिसाब से, एन सी एन माइनस आर, तो एन सी एन माइनस 8। बट एन सी 8 इज इक्वल टू एन सी 2 गिवन है हमें, तो एन सी 2 किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, एन सी 2 किसके बराबर हो जाएगा, एन सी एन माइनस 8। देखो ना ये दो एल एच एस बराबर हैं तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या कंडीशन बन जाती है मेरी कि अगर एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर है तो इसके क्या हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू बी था ना ये अभी पढ़ाई हमने फॉर्मूला, देखो एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, तो आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू एन माइनस बी, यही बोला था ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू बी मतलब 2 इज इक्वल टू एन माइनस 8, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास एन इज इक्वल टू 10। अब एन 10 मेरे पास आ चुका है, ठीक है, एन 10 आ चुका है, तो अब क्वेश्चन में जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, 10 सी 8 इज इक्वल टू 10 सी 2, ठीक है, तो 10 सी 8 इज इक्वल टू 10 सी 2, तो दोनों के फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये 10 है, ठीक है, 10 सी 2, ठीक है, यहाँ ठीक था, एन सी 2 को हम लिखेंगे 10 सी 2, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा अब क्या होता है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको रिप्रेजेंटेशन से हम जब फैक्टोरियल नोटेशन से खोलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। सिमिलरली डिटरमिन एन इफ, ये देखो रेशो दी हुई है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसका आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2n, मैंने आपको बोला था कि 7 फैक्टोरियल है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जहां तक हमें चाहिए। अब देखो ये 2n है तो नीचे 2n माइनस 3 है, तो मतलब इसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ 2n माइनस 3 तक, तो इसको मैंने लिख दिया 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल और नीचे आएगा n फैक्टोरियल, अगेन n फैक्टोरियल को मैं आगे लेके जा सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2n माइनस 3 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म्स बचेंगी, देखिए 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2, नीचे बचेगा n n माइनस 1 n माइनस 2, अब ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या बचेगा 2n माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब ये यहां पर था ना 2n माइनस 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 कॉमन और n माइनस 1, ये n माइनस 1 n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टू जो बन जाएगा 4, तो 4 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो n मेरा आ जाएगा 5, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना था, फाइंड एन सी 2, तो एन सी 2 जब मैंने निकाला तो मेरे पास आ गया n 5। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल है उस पर 21 पॉइंट्स हैं, तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21, मतलब एन कितना आ गया 21, और कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए मुझे एट ए टाइम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 2 पॉइंट्स की, तो आर कितना आ गया 2, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, 21C2, ठीक है, तो 21C2, तो ये आ जाएगा 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे आप तो फैक्टोरियल नोटेशन से आपका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा 210।
अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 boys and 3 girls बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 boys and 4 girls। पहले तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 5। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन 2 बनेंगी मेरे पास। क्यों, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे सिलेक्ट करने हैं, देखो 5 लड़कों में से मुझे 3 चाहिए और 4 लड़कियों में से मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा डीकोड करना है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 2 केस इकट्ठे लिए हुए हैं। ठीक है, 5 लड़कों में से 3 चाहिए और 4 लड़कियों में से 3 चाहिए। तो बन गया आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial into 3 factorial, 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial into 3 factorial, ये आ जाएगा 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial upon 3 factorial, 1 factorial तो 1 होता है। तो इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, नीचे 3 factorial है, इसको 3 factorial तक ले जाओ, 3 into 4 into 3 factorial, 2 को लिख सकते हैं 2 into 1, ये आ गया 3 factorial, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 into 3 factorial, नीचे 3 factorial था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 ones are 2, 2 twos are 4 कर लो तो ये आ जाएगा 5 twos are 10 और 10 fours are 40। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास, लड़के 5 लड़कों में से 3 लड़के सिलेक्ट करने के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सिलेक्ट करने के हमारे पास हैं 40 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, देखिए कॉम्बिनेशन में ये वर्ड यूज रहता है हमारा सिलेक्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls इफ द सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls of each color। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं रीड आउट करती हूँ एक बार आपके लिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls मुझे सिलेक्ट करनी है, टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है मुझे, 9 balls सिलेक्ट करनी है, कितनों में से 6 red balls हैं, तो पहले लिख लिया टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 6, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है 5 और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है व्हाइट वो भी 5 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी कितनी लेनी है मुझे, 6 में से 3 चाहिए, इन 5 में से भी 3 चाहिए और 5 में से भी 3 चाहिए। तो कॉम्बिनेशन में मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6 red balls में से मुझे 3 चाहिए, 5 white balls में से मुझे 3 चाहिए, 5 blue balls में से मुझे 3 चाहिए। अगेन आपके पास फॉर्मूला है इसका, आ जाएगा 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial into 3 factorial, 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial into 3 factorial, 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial into 3 factorial। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2000। तो आपके पास 2000 नंबर ऑफ वेज हैं सिलेक्ट करने के लिए, इन 3 balls में से अगर मुझे 9 balls चाहिए, इन 3 colors की ball में से मुझे 9 balls चाहिए, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 2000। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 card combination आउट ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ace इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ड में कितने होते हैं हमारे कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं और एस की बात कर रहा है तो एस कार्ड में टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं बच्चे तो देखो 52 कार्ड्स हैं उसमें 4 ace होंगे और नॉन एस जो है वो कितने होंगे, 48 होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे 5 set बनाने हैं, कितने सेट बनाने हैं, 5 set बनाने हैं कार्ड्स के, ताश के पत्तों के, उन 5 5 का जो सेट होगा उसमें 4 जो है वो नॉन एस होंगे और जो 1 होगा वो क्या होगा, एस का कार्ड होगा। समझ आई मेरी बात क्या बोल रही हूँ, 52 कार्ड्स हैं उसमें उसने हमने बनाने हैं 5 5 का सेट बनाना है, 5 set बनाने हैं, द नंबर ऑफ 5 card combination, हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं 5 5 के, उस 5 card का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें 4 होंगे नॉन एस और 1 होगा एस। अब हमारे पास पता है हमारे पास कितने होते हैं, एस कितने हैं, 4 और नॉन एस कितने आ जाएंगे, 48। अब इन 4 ace में से मुझे 1 ace सेलेक्ट करना है, टोटल सेलेक्ट करना है ना, सेलेक्ट करना है तो मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो मतलब एनसीआर और मुझे एन और आर की वैल्यू चाहिए, एस में से एन क्या होता है, टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 4 और मुझे कितने चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए ना एक कॉम्बिनेशन में, तो ये आ जाएगा 4C1। अब इसकी बात करते हैं नॉन एस की, तो नॉन एस में टोटल कितने हैं, 48 और मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं, 4
चार करने हैं ना टोटल, मुझे पांच का कॉम्बिनेशन चाहिए ना जिसमें चार नॉन एस होंगे और एक एस होगा, तो मतलब इसका एस का टोटल कितना है एन कितना है 4 और नॉन एस का टोटल कितना है एन कितना है 48। इसमें एस में मुझे कितने चाहिए कॉम्बिनेशन में, एक, तो मतलब आर आ गया एक, और इसमें मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं एट ए टाइम, एक कॉम्बिनेशन में 4, तो आ गया 4। तो बस क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 4C1 × 48C4। और ये कैसे आया यहाँ पर मैंने आपको थियोरेटिकली थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता दिया। अब यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है 4 × 4 − 1 × दिस इज 1 48 −4 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अवर आंसर, इतने नंबर ऑफ वेज आएंगे, ठीक है। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, सिमिलर बेसिस पे ही है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, 11 बंदे हमें चाहिए फ्रॉम 17 प्लेयर्स, ठीक है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें टोटल प्लेयर्स कितने हैं 17, बॉलर्स कितने हैं बच्चे 5 और नॉन बॉलर्स कितने हैं 12, ठीक है, 17 प्लेयर्स हैं जिसमें बॉलर्स 5 हैं, नॉन बॉलर्स कितने हैं 12, ठीक है ना, 12 + 5 ही बने ना 17। अब मुझे क्या करना है, उसने बोला है कि एग्जैक्टली कितने बॉलर्स चाहिए उसको, 4 बॉलर्स चाहिए, मतलब टोटल बॉलर कितने हैं 5, लेकिन मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं 4। सिमिलरली नॉन बॉलर्स कितने हैं मेरे पास 12, ठीक है ना, और मुझे टोटल कितने चाहिए देखो 7, 8, 9, 10, 11, टोटल टीम मुझे कितने की चाहिए 11 की टीम चाहिए, तो 4 तो मेरे पास बॉलर्स हैं, ठीक है, पीछे जो मेरे पास नॉन बॉलर्स हैं ना 12, उसमें से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं 7। क्लियर हुआ क्वेश्चन, फिर से रिपीट करती हूँ, 17 प्लेयर्स हैं मेरे पास जिसमें 5 बॉलर्स हैं और 12 जो हैं वो नॉन बॉलर्स हैं, मुझे 11 की टीम बनानी है, 11 की टीम में मुझे उसने बोला है 4 तुमने लेने हैं बॉलर्स, ठीक है, और टोटल टीम है 11 की, तो ऑब्वियसली अगर 4 बॉलर ले लिए तो 17 में से 4 चले गए तो पीछे कितने बचे, ओ सॉरी 11 की टीम है ना, 11 की टीम है तो 4 यहां पर आ गए तो पीछे कितने बचे 7, 8, 9, 10, 11, तो वही मैंने किया, टोटल प्लेयर्स आ गए 17, नंबर ऑफ बॉलर्स हैं 15, नंबर ऑफ अदर प्लेयर हैं 12, ठीक है। तो अब जब मैं बॉलर्स को सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल कितना था 5 थे, मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं 4, अब नॉन बॉलर्स में से टोटल मेरे पास कितने हैं 12 और मुझे कितने चाहिए 7, और 7 क्यों चाहिए, टोटल प्लेयर्स हैं मेरे पास 11 और जब मैंने 4 बॉलर सिलेक्ट कर लिए तो 11 में से 4 गए तो मेरे पास कितने बचते हैं 7, तो अब आपका कॉम्बिनेशन बन चुका है 5C4 × 12C7, तो इसको भी आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, ठीक है, डिटर्मिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना है 5 है और नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 5 है, तो मुझे क्या करना है, देखो ब्लैक बॉल्स हैं ये मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है 5 में से 2 करनी है और रेड बॉल्स 6 में से मुझे कितनी करनी है 3 करनी है, तो बन गया कॉम्बिनेशन 5C2 × 6C3, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 200 फेस। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस परमुटेशन से भी ज्यादा इजी हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है, आपने देखना है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या फिर परम्यूटेशन का, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। अब मैंने आपको थोड़ी सी हिंट तो दे ही दी है कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे सेलेक्ट और उसके रिलेटेड एंटोनियम्स मिलेंगे, तो कई बार नहीं भी मिलते हैं तो क्वेश्चन को देख के ही हमें इस बात का अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट चूज प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर ईच फॉर एवरी स्टूडेंट। अब देखो टोटल कितने कोर्सेज हैं 9, जिसमें 2 क्या है कंपल्सरी हैं और जो 7 है वो क्या है चॉइस, ठीक है,
तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर रफ में आपको बताती हूँ। देखो 9 कोर्सेज है मेरे पास, ठीक है, 9 कोर्सेज हैं। बच्चे को इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? बच्चे को करने हैं 5 सिलेक्ट। तो जब बच्चे को 5 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उसने बोला है कि 2 जो है ना वो कंपल्सरी हैं, 2 सब्जेक्ट्स तो कंपल्सरी है ही हैं, 2 कोर्सेज या 2 सब्जेक्ट्स बोल रहे हो, तो अगर 9 में से 2 कंपल्सरी हैं तो नॉन कंपल्सरी कितने हुए? 7, ठीक है। तो अब अगर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं बच्चे, तो यहाँ टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 2। बच्चे को कितने रखने हैं 2 में से? कंपल्सरी है तो दोनों के दोनों रखने पड़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या बनेगा मेरा? 2C2। और यहाँ पर देखो नॉन कंपल्सरी में टोटल कितने हैं? 7। और बच्चे को कितने रखने हैं? टोटल देखो बच्चे को कितने रखने हैं? 5। 2 तो उसने ऑलरेडी रख लिए हैं जो कंपल्सरी हैं, तो पीछे कितने बचे? 3। तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 7C3। आई एम रिपीटिंग, बच्चे ने रखने हैं 5, 2 कंपल्सरी हैं, उसमें उसकी कोई चॉइस नहीं है, वो तो उसने रखने ही रखने हैं। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा तो टोटल 2 हैं और बच्चे ने भी 2 रखने हैं, तो यहाँ एन और आर सेम है। और यहाँ पर जो नॉन कंपल्सरी हैं वो 7 हैं, लेकिन बच्चे ने कितने रखने हैं? 3। वो कैसे? क्योंकि टोटल बच्चे के पास 5 जो है कोर्सेज होने चाहिए, 2 कंपल्सरी हैं, तो इट मीन्स उसके नॉन कंपल्सरी में से उसको कितने चूज करने पड़ेंगे? 3। तो अब ये आ गया आपको कॉम्बिनेशन 2C2 × 7C3। अभी मैंने आपको ये फॉर्म बताई थी कि जब NCN फॉर्म होती है तो हमारा आंसर 1 आता है। कैसे? जैसे इसका फॉर्मूला आ जाएगा मेरा 2 factorial / 2 − 2 factorial × 2 factorial। तो दिस इज अगेन 2 factorial / 0 factorial or 2 factorial। 2 factorial कैंसिल, ये 1/0 factorial क्या होता है? 1/1। तो दिस इज 1, तो 7C3 है, तो इसको आप लगा लेंगे आगे फार्मूला 7 factorial, और 7 − 3 factorial क्या आएगा? 4 factorial × 3 factorial। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा 35 ways आपका आंसर जो है वो आएगा। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी क्लियर है। तो बेटा अब आप मिसलिनियस के क्वेश्चंस जो है वो खुद निकालेंगे, इन केस किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कम अप टू मी एनी टाइम। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।